घरेलू उपाय में आपका स्वागत है और आज हम आपको गठिया के दर्द को दूर करने के लिए कुछ खास तरीके के जूस बताने वाले हैं जिनको आप पियेंगे तो आपके गठिया का दर्द दूर हो जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं इन जूस के बारे में तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहें। उम्र बढ़ने के साथ हमारे शरीर में कई रोगों का निवास हो जाता है, इसमें से गठिया एक आम बीमारी है। गठिया से मुक्ति नहीं पाई जा सकती लेकिन इसके दर्द को काफ़ी कम किया जा सकता है। आज हम आपको कुछ ऐसे जूस बताएंगे जिन्हें पीने से गठिया से होने वाले दर्द दूर हो सकता है। इन्हें नियमित रूप से पीना चाहिए। इन जूस में ऐसा विशेष सामग्री मिली हुई है जो दर्द को दूर करने के लिए रामबाण का काम करते हैं, इसलिए आपके घर पर जो कोई भी सामग्री हो उसका जूस बनाकर सेवन करें और गठिया के दर्द को में मुक्ति पाएं। पहला दर्द निवारक जूस, जिसमें आपको करना क्या होगा, 1 इंच ताजी हल्दी अदरक, हल्दी या फिर अदरक 1 इंच ताजी हल्दी या अदरक का स्लाइस लें, 1 कप ब्लूबेरी, 1/4 छिलके सहित अनानास के स्लाइस, 4 धनिया की डंठल। इन सभी चीज़ों को मिक्सी में पीसकर जूस निकालें और सेवन करें। इसे पीने से गठिया से होने वाले जूस खत्म होने लगते हैं। अदरक का पेय, 1 इंच अदरक की स्लाइस, 1 सेब लंबे कटा हुआ, 3 गाजर, इन सभी चीज़ों को जूसर में डालकर जूस निकालें और सेवन करें। पाइनएप्पल जिंजर जूस, 1 इंच अदरक स्लाइस, आधा छिलके सहित स्लाइस से कटा हुआ पाइनएप्पल, इन दोनों का जूस निकाल कर पिए, यह काफ़ी टेस्टी होता है। तो दोस्तों, ये आपको मैंने 3 खास तरीके की जूस बताए। अगर आप तीनों जूसों में से कोई भी जूस का इस्तेमाल लगातार अपने रोज के दिनचर्या में इस्तेमाल करते हैं रोज़, तो आपके गठिया का दर्द अवश्य ही दूर हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और मैं आशा करता हूँ कि आप भी इन तीनों जूसों का इस्तेमाल करके अपने गठिया का दर्द ज़रूर दूर करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल घरेलू उपाय सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।